दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है केडीआर बिल्डर्स के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह। सिंह साहब, हमारे चैनल का आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में जो आपके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, आप ये बताइए किस तरह का प्रोजेक्ट का स्टेटस है, उस बारे में हमारे बायर्स को आप बताइए। देखिए, अभी हमारा जो करेंट प्रोजेक्ट चालू है वो 24 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, जो कि एकदम सेंटर लोकेशन है, एकदम मेन रोड पर है वो लोकेशन। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेट्रो स्टेशन टच्ड है, और हम लोगों ने उसके जो प्राइसेस रखा हुआ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। उसमें हमने काफ़ी सारी एमिनिटीज़ लोड की है, जैसे 2 लिफ्ट्स इंस्टॉल करवाई है उसमें, मैकेनिकल पार्किंग, सोलार पैनलिंग, 1 टाइम मेंटेनेंस किया है उसमें। उसमें जितनी भी सैनिटरी रहेगी वो जैगवार कंपनी की रहेगी, उसमें जो इलेक्ट्रिक फिटिंग रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी, डोर्स बजाज कंपनी का रहेगा उसमें, टाइल्स सारी ब्रांडेड रहेगी। मतलब जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हमने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है, और उसका जो प्राइस है फ्लैट का 3 BHK 2 BHK वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। हमारा मोर देन 60% प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका है, और इसके पहले हमने जितनी भी स्कीम्स की है नॉर्थ नागपुर में ही की है, तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 30% स्टेज पर ही ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट्स से सोल्ड हो चुके थे हमारे, तो काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा फीडबैक मिला कस्टमर का। और हम भी फ्यूचर में भी हम ऐसा ही प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छे इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। हालांकि ये भी देखा गया कि जो आपका केडीआर जो बिल्डर्स जैसा आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काफ़ी लोगों के बीच में चर्चित है, तो आज जैसा कॉम्पिटिशन को देखते हुए जी जी एज बिल्डर्स के कंपेयर में जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं बाकी बिल्डर्स के, जी जी, उसमें आप बेस्ट क्या देने जा रहे हैं ग्राहकों को, उस बारे में बताइए। देखिए, कैसा है कि हमको वैसे तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमको हमारा काम करना है, और जो अच्छा काम करता है उसका काम सबको पता चली जाता है ऑटोमेटिकली। बाकी अगर आप ऐसा कॉम्पिटिशन की बात करोगे तो हमारा ऐसा है कि हमको अच्छा लोकेशन चूज़ करना है जो कि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कन्वीनियंट हो। वैसे हमारी अभी ट्राई ऐसी स्टार्ट है कि हम ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड प्लॉट्स देखेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल स्कीम पे फोकस कर रहे हैं, और एमिनिटीज़ जो है हम ट्राई करेंगे कि अच्छी से अच्छी एमिनिटीज़, हाई क्लास एरियाज़ की एमिनिटीज़ लोड करें, बट उसका जो प्राइस हो काफ़ी अफोर्डेबल हो, नॉर्मल पर्सन की रीच तक भी वो आ सके। वैसे हमारे पास्ट में जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो भी समझ लीजिए आप मोस्टली सैलरीड क्लास लोगों ने ही लिया है, मोर देन बिजनेसमैन सैलरीड क्लास लोगों ने ही लिया है, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप वाले सैलरीड क्लास लोगों ने ज़्यादा उसको लिया है। तो हम देखिए, हमारी बेसिकली स्पेशलिटी यही है कि हमको अच्छा काम करना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि घर पहली बार एक ही बार बनता है, तो कस्टमर को कहीं ना कहीं ये मलाल ना रहे कि इन्होंने बिल्डर ने हमारी सुना नहीं, उनके पूरे सेटिस्फेक्शन का भी हम ध्यान रखते हैं उस चीज़ में। जैसे कि नागपुर स्मार्ट सिटी को काउंट हो गया है, तो आप ये बताइए कि जो आपके जो प्रोजेक्ट्स जो है जी, तो उस पे जैसे आपने बताया कि कई तरह फैसिलिटीज आप दे रहे हो जी, जी, लेटेस्ट एमिनिटीज जो दे रहे हैं जी जी, तो अब ये बताइए कि जैसे अभी पार्किंग स्लॉट के बारे में भी लोगों के मन में काफी क्वेश्चन उठते बेसमेंट में जी जी, तो वहाँ के एरिया, कारपोरेट एरिया, बिल्डअप एरिया ये किस तरह से है, और लोकेशन में जैसे कि आपका जो ये है अपना प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीशन हो चुका है, क्या स्टेटस है उस बारे में? देखिए, अगर आप पार्किंग की बात करते हैं तो हम लोग जो है कम से कम एक कार की पार्किंग देते ही हैं हम लोग बिल्डिंग में, सभी कस्टमर्स को कम से मिनिमम 1 कार पार्किंग हम देते हैं, उसका प्रॉमिस होता है हमारा। कई बार ऐसा भी होता है कि हर कस्टमर के पास कार नहीं होती है, वो तो एक एडेड बेनिफिट हो जाता है बाकी रहने वालों के लिए, तो वो 2 कार भी पार्क कर सकते हैं। एज सच कार पार्किंग का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और ऑब्वियसली कार नागपुर मेट्रो सिटी हो गई है और काफ़ी डेवलप हो रही है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफ़ी हाइक हो रहे हैं, तो हमको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको भी साथ ही साथ हमारी कंपनी को भी ग्रो कराना है ताकि हम पीछे ना रह जाएं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली हमको भी मार्केटिंग और कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफ़ी इंक्रीमेंट हो गया है जी, जी, जैसे मेट्रो सेल्स भी लग रहा है, तो आप ये बताइए आज के जो हालात को देखते हुए कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो एक्चुअली लैंड के कॉस्ट जो है काफ़ी अप्रिशिएट हो रहे हैं, बट फ्लैट यूनिट्स के कॉस्ट ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं।
पोस्ट कोविड जो है सडनली एक ड्रास्टिक चेंज दिखने में आया है, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो गया है मटेरियल्स में, और बट फ्लैट के यूनिट का कॉस्ट उतना नहीं बढ़ा है, तो मतलब कहीं ना कहीं बिल्डर्स की मार्जिन थोड़ी श्रिंक हुई है उसमें, बट ठीक है, ये बिजनेस का एक पार्ट है, हमको लेके चलना पड़ेगा। आने वाले समय में लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि थोड़ा हर चीज़ें जो है महंगी हुई है, तो उस हिसाब से हमको भी वर्कआउट करना पड़ेगा उस चीज़ में। तो दर्शकों, केडीआर बिल्डर्स के अपने दूसरे डायरेक्टर से हम मिलने जा रहे हैं, दिग्विजय टुंडन सर। सर, हमारे चैनल से आपको स्वागत है। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, एक सेलिब्रेट क्लास को अपने फोकस रखते हुए बिल्डकॉन बनाया हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जी। तो आप ये बताइए कि फैसिलिटी एमिनिटीज ऑलरेडी आप देने ही जा रहे बायर्स को, आप ये बताइए कि जब हम रेरा की बात करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के स्पेसिफिकेशन है अपने प्रोजेक्ट्स का, किस तरह के सैंक्शन से उस बारे में बताइए। सर, जैसा रेरा आपको पता है कि एक रूल आया हुआ है, और रूल के हिसाब से जो आपको जो सैंक्शन मिलता है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो जो भी रूल है, जैसा जो आर्किटेक्ट ने जो NIT से सैंक्शन होकर आया हुआ है उसके हिसाब से ही बनेगा। उससे पहले क्या होता था रेरा आने से पहले कि सैंक्शन कुछ और होता था और बनता कुछ और था। रेरा के वजह से जो आपको NIT गाइडलाइंस दे रही है, जितना आपको स्क्वायर फीट में आपको बनाना है आप उसके हिसाब से ही बनाओगे, तो उससे क्या है कि कस्टमर को भी लगता है कि जो पैसा दे रहा है उसका पैसा मैंने वर्थ है उतना पैसा उसको देना। तो ये एक रेरा के आने के बाद से चेंजेस आए हैं। तो ये जो KDR बिल्डर्स जो है आपका, एक बिल्डकॉन के नाम में एक चर्चित नाम है, इससे पहले भी आपके प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल रहे और लोगों का ट्रेमेंडस रिस्पांस भी मिला हुआ है जी। तो आप ये बताइए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो बायर्स है, इन्वेस्टर्स है जिनको आपको परचेस करना है आपके यूनिट में, तो उनको आपका क्या एक मैसेज होगा परचेस करने के? सर देखिए, जैसे कि मेरे जो कुलविंदर सिंह ने बताया कि हर एक का एक सपना होता है घर लेने का, तो हम लोग सबसे पहले ये ख्याल रखते हैं कि अगर वो हमारे पास आया है तो हम उसको बेस्ट दें, और बेस्ट देने के लिए क्या करना कि जो उसके जैसे अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन अभी जैसा काम चालू है, तो उसको जो टाइल्स चाहिए रहेंगी या उसको पेंटिंग जो करना रहता है, तो हम उसको एक प्रिविलेज देते हैं कि आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहें तो हम आपके हिसाब से हम बना के देंगे। तो ये सबसे अच्छा हमारे KDR में एक एडवांटेज है कि हम चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट हो, और उसके हिसाब से हम देते हैं। ओके, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन के मार्ग पर है जी, तो आप ये बताइए काफी जो पर्सन होते हैं उनको थोड़ा फाइनेंस की भी प्रॉब्लम्स आते हैं जी, तो किन बैंकों से अपना टाइप है उस बारे में? सर, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक, इन लोगों में सब जितने भी बैंक है नेशनल जो रेपुटेड बैंक है वहाँ से KDR इसका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अच्छा, जैसे बुकिंग्स अपनी ओपन है जी, तो आप बायर्स को क्या मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा? देखिए, हमारे पास हम बायर्स को यही बोलना चाहेंगे कि आप आइए हमारे प्रोजेक्ट एक बार देखिए, और हम आपके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं हम आपको बेस्ट देंगे।